सबको जयशु। चांदा धर्म प्रांत इस साल वजन घोषणा वर्ष करके मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इस सेंट एंटनी कैथोलिक फॉरेन चर्च के हम सब पुरोहितगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण और विश्वासी मंडली के चुने हुए लोग मिलकर वजन बोलते हुए एक ईश्वर वजन का वजन माला बनाया है। इस वजन माला ईश्वर को हम समर्पित करते हैं और साथ ही साथ हमारी यह प्रार्थना है कि हम सबका मन, शरीर और इस दुनिया पवित्र हो जाए। इस उद्देश्य से इस वजन माला हम शुरू करते हैं और बिशप स्वामी के आशीष के साथ इसे हम परमेश्वर, पिता परमेश्वर के पवित्र चरणों पर समर्पित करते हैं। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी पुत्र होने वाला है। आप उसका जो बांस कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वह ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरी प्रभु की माता मेरे पास आई? धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना भावबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। Then his father Zechariah was filled with Holy Spirit and spoke this prophecy. Blessed be the Lord God of Israel, for he has looked favorably on his people and redeemed them. He has raised up a mighty savior for us in the house of his servant David. उसने शक्तिशालियों को अपने आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया और दरिद्रों को संपन्न और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की शुद्ध ली। അവന്റെ പിതാവായ സക്കറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു പ്രവചിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു രക്ഷിച്ചു. തന്റെ ദാസനായ ദാവിദിന്റെ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തനായ ഒരു രക്ഷകനെ ഉയർത്തുകയും. ധന്യ അവ പ്രഭു ഇസ്രായേൽ ക ഈശ്വർ ഉസ്നെ അപ്നി പ്രജാ കി സൂദ് ലീ ഹൈ ഔർ ഉസ്കാ ഉദ്ധാർ കിയാ ഹൈ. വേ വഹീ തേ ജബ് മരിയം കേ ഗർഭ കേ ദിൻ പൂരേ ഹോ ഗയേ और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चर्दी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, मैं तुम लोगों को एक अच्छा सुसमाचार सुनाने आया हूँ।
जिसको सुन के आप लोग आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तुम उसे चिन्ह से पहचानोगे कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी पे लेटा पाओगे। तभी उसी समय अचानक से स्वर्गदूत अपने सेवकों के साथ उपस्थित हुए और वे लोग प्रभु की स्तुति करते करते यह कहते थे कि स्वर्ग में परमेश्वर की जय और धरती पे लोगों को शांति मिले, जिससे वे प्रसन्न हैं। और शरीर के विकास होता गया, वो ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसका मार्ग तैयार करो, उसके पाद सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दलितों को सुसमाचार सुना, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। सर ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा
कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था। उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उससे 12 को चुनकर उनका नाम पेत रखा। सिमोन ने जिससे उन्हें पेतुस नाम दिया और उसके भाई अर्जस को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बतथोमी को, मत्ती और थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोतियो को जो विश्वासघाती निकला। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल करते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखें तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न लो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फल से पेड़ की पहचान। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न उन कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। The one who hears my words but does not act on them is like a man who built his house on ground without a foundation. The torrent crashed against that house and immediately it fell, and great was its destruction. तब ईसा ने उससे से कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। सात भोजन करने वाले मनी मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छुपा नहीं है जो
प्रकट नहीं होगा और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। But he said to them, My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा, वे थम गई और शांति छा गई। ईसा ने बारहों को बुलाकर उन्हें सभी अपद्भुतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें स्वर्ग राज्य के सुसमाचार सुनाने और बीमारियों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी ना झोली ना रोटी ना रुपया, अपने लिए दो कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करे तो उनके नगर से निकलने तक तुमने चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। तब ईसा ने 5 रोटियां ली और 2 मछलियां लेके स्वर्ग की ओर आगे उठाकर कर आशीष की प्रार्थना की और उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें उन लोगों में बांट दे। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा क्या करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे फॉलो, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। Jesus said to him, anyone who starts to plow and then keeps looking back is of no use to the kingdom of God. ईसा ने उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे ही चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश की पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न तो थैली न झोली और न जूते ले जाओ, रास्ते में किसी को भी नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति टहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। The kingdom of God has come near to you. But whenever you enter a town and they do not welcome you, go out into its streets and say, even the dust of your town that clings to our feet, we wipe off in protest against you. Yet know this, the kingdom of God has come near. उन्होंने व्यवस्था के आचार्य उनसे पूछा, तुम्हारे विचार में तीनों में से कौन डाकुओं का हाथ पड़े उन मनुष्यों का पड़ोसी सिद्ध हुआ। उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो।
ईसा ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपना समान प्यार करो। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। तुम अपने मित्रों से कहता हो, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ किससे डरना चाहिए, उसी से डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं कहता हूँ उसी से डरो। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, चिंता न करो अपने जीवन निर्वाह की, कि तुम क्या खाए और क्या पिए और क्या पहने। जीवन भोजन से बढ़कर है और शरीर कपड़ों से। इन आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी न उनके बखार भंडार है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम उनसे कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से तुम में कौन अपनी आयु घड़ी पर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते? अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी जीतती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। I came to cast fire upon the earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how I am constrained until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For henceforth, in one house there will be five divided, three against two, and two against three. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against her mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी तुम में से बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Salt is good, but if it has lost its taste, how can its saltness be restored? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. They throw it away. Let anyone with ears hear to listen. ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके प्रति पाप किया है। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उन्हें पडणार नाही, कारण परमेश्वर माझ्या सोबत आहे। द लॉर्ड रिप्लाइड, If you had faith the size of a mustard seed, you would have told this mulberry tree to be uprooted and planted in a sea, and it would obey you. बच्चों को मेरे पास आने दो। किंतु ईसा ने
बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। यह सुंदर ईसा ने उनसे कहा, आपको एक बात की कमी है, आपका सब कुछ बेच डालकर मेरा अनुसरण करो, तुम्हारे लिए पुंजी स्वर्ग में जमा हो जाएंगे। ये सुनकर धनी आदमी उदास हो गया, क्योंकि बहुत धनी था। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझ से होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा आ सकता। पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वत पर घास उगाती है, वह पक्षियों को चारा देते हो है और कौवे को बच्चे को भी जो उसे पुकारते हैं। आदि मैं वचन हूँ, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। ईसा ने यह देखकर कहा, धर्मियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ईश्वर ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ईसा ने उससे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थान विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्तियां छेड़कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, उन लोगों पर बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्ध और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है, जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वही जो मेज पर बैठता है अथवा जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तब वहाँ पहुंचकर ईसा ने उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हुए। उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो।
और प्रभु ने मुड़कर पेतरस की ओर देखा। तब पेतरस को याद आया कि प्रभु ने कहा था कि मुर्गी के बांग देने से पहले ही तुम तीन बार मुझे अस्वीकार करोगे। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहने लगेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जीसस रिप्लाइड, टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। Jesus cried out in a loud voice, Father, in your hands I place my spirit. He said this and died. The army officer saw what had happened. He praised God saying, Surely he was a good man. स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? वे यहाँ नहीं हैं। वे जी उठे। गलीलिया में रहते समय उन्होंने जो कुछ तुमसे कहा था वह याद कीजिए। यीशु ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मनमति हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपने महिमा में प्रवेश करे? ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से यह कहा था कि जो कुछ मूसा के संहिता में और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है उन सब का पूरा हो जाना आवश्यक है। And see, I am sending upon you what my father promised. So stay here in the city until you have been clothed with power from on high. मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वे उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। ईसा मसीह में तेरे सेंट एंटनी स्मार्टा पैरिश पलिपलोहित फादर राजू पलिवासियों आवर फादर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोग कोरोना वायरस COVID-19 पीड़ित लोगों के लिए इतना अच्छा सेवा शुश्रूषा किया, इसलिए शानदार आयुर्वाद के नाम पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद वरदान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह का कृपा, परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। जय यीशु।